नमस्कार छात्रों, मैं आलोक कुमार तिवारी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमने बहुत दिन से क्लासेस नहीं अटेंड किया, उसके पीछे कुछ रीज़न था, हम कहीं बाहर चले गए थे। तो आज हमने फिर से अपने सेशन को स्टार्ट किया है। आज चूँकि होली भी है तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो मैंने परसेंटेज का लेक्चर स्टार्ट किया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक से लेकर के कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ें आपको सिखाई थी। किस टाइप से मैं फ्रैक्शंस को यूज़ कर रहा था, चूँकि अभी मैंने बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश की कि आप सब लोग फ्रैक्शंस को यूज़ करना सीख जाए, किस टाइप से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ये चीज़ें आप सब सीख जाए। आज मैं उन्हीं चीज़ को लेकर आगे चलता हूँ और मैं उन प्रॉब्लम्स को कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स जो UPSI का एग्ज़ाम है, UPTET CTET का एग्ज़ाम है, SSC CHSL के एग्ज़ाम्स में, SSC GD का हो गया, या SSC MTS, या अनदर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो होता है, देन कंपेरिजन SSC CGL या CAT की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स मिल रही होगी, काफ़ी एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही होगी जो हर एग्ज़ाम में आपको इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज भी आपको उन चीज़ों से आगे ले चला जाए, और मैं जो प्रॉब्लम्स आज लिया हूँ वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। देखो, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 2 साल पहले गांव की पॉपुलेशन इतनी थी, अब कितनी होगी, इतने परसेंट इंक्रीज हर साल होने के बाद, या कुछ साल बाद आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दे देगा, वर्तमान पॉपुलेशन दे देगा, और कुछ रेट दे देगा कि इस रेट से प्रेजेंट पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कुछ सालों से इस रेट से प्रेजेंट पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पहले कितनी पॉपुलेशन रही होगी, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसमें बस इतने ही 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज ही पूछेगा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब सब कोशिश करना कि चीज़ों को देखो, यहाँ पर हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को ही कंसिडर कर रहे होंगे कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या थी, बिफोर, एगो या इन टाइम जो भी बात कर रहा होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर रहे होंगे। क्योंकि यार बहुत गर्मी भी लग रही है और यहाँ पर भाई कुछ व्यवस्था भी नहीं है। चलो फिलहाल आप सब के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं, मन लगा के पढ़िए। देखिए, अपकमिंग जो भी वैकेंसीज हैं उनमें आपके लिए मैथ्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर किया जाए। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है साथियों जो मैं आप सबसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब तक मैक्सिमम चैप्टर्स को हम पहुँचा सकें, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी, ज़रूर कोशिश करूँगा, और जैसे ही मैं परसेंटेज ख़त्म करूँगा तो परसेंटेज के बाद मैं आपको SI CI कंप्लीट करा दूंगा, LCM SCF जल्दी जल्दी छोटे छोटे चैप्टर्स से इनको मैं 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जल्दी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होंगे। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस से हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज लेक्चर 8, ये हमारा 8वां लेक्चर है परसेंटेज का 8वां लेक्चर है, जिसमें आज हम प्रॉब्लम्स जो ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन टाउन इज 4%
एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज बट ऑफ पीपल इज 15,625. What will be the population be in 3 years? What will be the population be in 3 years? ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से बढ़ रही है, 4% पर एनम पर ईयर जो उस टाउन की पॉपुलेशन है इस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान पॉपुलेशन कितना दिया है, 15,625, ये क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी इन 3 ईयर, 3 साल बाद या 3 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है वो क्या दिया है, 15,624, और पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4% पर एनम, हर साल पॉपुलेशन उस टाउन की 4% की दर से बढ़ रही है। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो आप सबको 4% की फ्रैक्शन पता है, 4% की फ्रैक्शन क्या है, 1/25, क्या है, 1/25। देखो अगर फर्स्ट ईयर, ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर होगा, ये फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट पॉपुलेशन रही होगी, और फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ, बात समझना, ये फर्स्ट ईयर में एक यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 times, 3 साल तक लगातार 4% की रेट से उस टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उस टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें 3 साल के बाद उस टाउन की क्या पॉपुलेशन होगी यही बताना है, ठीक है। तो 4% की फ्रैक्शन समझ गए ना, 1/25, ये 25 जो है ये फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स, तो आप सब मुझसे कहोगे कि सर प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू इंक्रीज इन 3 ईयर्स, इंक्रीज इन 3 ईयर्स, तो 3 साल में जिस तरीके इंक्रीज होगा। तो आप सबको पता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ने 15,625, इंक्रीज क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर 25 थी, इंक्रीज कितने का, 1 यूनिट का, तो 26 × 25, ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर भी यही काम होगा, तो 26/25, और थर्ड ईयर भी यही चांसेस होंगे, 26/25, क्लियर। तो अब इनकी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो आप इसको कैंसिल कर दो, ये क्या होगा, 25 × 25 = 625, कैंसिल करोगे तो ओवरऑल आपका 15,625 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, 25 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, करेक्ट ना। अब 26 × 26 × 26 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 17,576, क्या रिजल्ट होगा, 17,576, ये उस टाउन की पॉपुलेशन 3 साल बाद होगी, किस रेट से बढ़ रहा है, 4% पर एनम के रेट से उस गांव या टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो 4% का मतलब देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, तो 25 में एक का इंक्रीज हुआ, तो पहले साल कितना हो गया, 25 से 26, यही कंडीशन, सेम कंडीशन क्या है,
सेकेंड ईयर के लिए भी अप्लाई होगी, यही सेम कंडीशन थर्ड ईयर के लिए भी अप्लाई होगी। तो समझ गए, 15,625 इंटू 26/25 कर देंगे तो ये हमें फर्स्ट ईयर के बाद की पॉपुलेशन मिल जाएगी। फिर फर्स्ट ईयर के बाद भी जो आएगा उसका 26/25 है सेकेंड ईयर का, फिर उसके बाद भी उसका जो रिजल्ट होगा उससे करेंगे। तो ऐसा समझ गए होगे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ डाटा चेंज कर देता हूँ, आप सब क्वेश्चंस करना। क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ऑफ अ टाउन इज 32,000 It increases fifteen percent per annum. 15% per annum या annually. What will it be in 2 years? ठीक है, कह रहा है कि the population of a town is 32,000. ये क्या है 32,000? ये क्या है? उस town की population है। कैसी population है? तो आप सब कहना है यहाँ पे कुछ नहीं दिया। देखो आगे कह रहा है कि it increases 15% per annum. What will it be in 2 years? 2 सालों में ये कितनी हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं ये क्या दिया है, अब भी उस क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है। तो अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, 15% पर एनम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, यही आपसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% की 1/20, तो 15% क्या है, 5 का 3 टाइम्स है तो 3/20। समझ पा रहे हैं आप ना? तो फर्स्ट ईयर उस टाउन की जो पॉपुलेशन है 20 ईयर प्रेजेंट है, उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 3 यूनिट एवरी ईयर इंक्रीज हो जा रहा है। तो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आप डायरेक्ट फाइंड कर लो, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन 32,000 इंटू फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है, 23/20, यही सेम कंडीशन सेकेंड ईयर भी हो रहा है, 23/20, 0 to 0 कैंसिल, 1 0 to 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 160, 2 से कैंसिल किया तो 80। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो अब मल्टीप्लाई कर लो आप, रिजल्ट हो जाएगा 80 × 23 × 23। तो आप सब इसकी कैलकुलेशन करो, है ना? बोलो तो कैलकुलेशन कर लें आसान सा। देखो यहाँ पर 23 का स्क्वायर आप सबको लर्न होना चाहिए, समझ पा रहे हो ना? 23, देखो कोशिश ये करो कि 1 to 25 तक के स्क्वायर्स आप सब अपने माइंड में लर्न कर लो। जैसे आपको लर्न रहेगा तो 23 × 23 नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इंटू 80 करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इनको लर्न रखना और इनके रिजल्ट राइट कर देना। ठीक है, इतना काम आपका है। कैलकुलेशन देखो, हम यहाँ पर रिजल्ट राइट कर देंगे तो आप ट्राई नहीं करोगे, तो इसलिए मैं इसकी रिजल्ट नहीं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करना है, आप कोशिश करो, बार बार ही कोशिश करो कि मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, और सारे स्टेप करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ के ये सब कोशिश आप लोग करोगे, नहीं तो फिर छोड़ ही दोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, डाटा चेंज कर देते हैं। कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज
12,000, 1,25,000, ठीक है, ए है 1,25,000 पॉपुलेशन है। इस रेट को मैं चेंज कर देता हूँ 6% पर एनम, और यहाँ 2 ईयर की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया 3 ईयर्स में। ट्राई करो, ये प्रॉब्लम नंबर थर्ड होगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000, इट इंक्रीजेस 6% पर एनम। तो आप सबको पता होगा 3% की फ्रैक्शन वैल्यू, या 2% की 1/50, तो 3% की, 6% की 3 टाइम्स है ना, तो 3/50, समझ पा रहे हो ना। चलो इनको सॉल्व करो। आगे बढ़े, चलो देखते हैं। देखो 6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, 3/50, ठीक है ना, 6% यही तो होगा, 6/100, तो 2 3 जा 250 जा, तो क्या आया 3/50 ही आया। तो मैं ही तो बोला 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, तो 6 क्या है, 2 का 3 टाइम्स है, तो 3/50 डाइट कर सकते थे आप ना। अब देखना रिक्वायर्ड पॉपुलेशन कितने साल में पूछ रहा है, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स, 3 साल बाद या 3 सालों में, इन 3 ईयर्स का मतलब 3 सालों में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,25,000 गिवेन है, इनटू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज यूज किया इंक्रीज, तो 50 से 53 हो गया फर्स्ट ईयर, 53/50, सेकेंड ईयर भी क्या होगा 53/50, और थर्ड ईयर भी यही होगा 53/50, करेक्ट हूँ। तो कैंसिल करो यार, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 5 से 25 इस 5 से 5 इस 5 से 5, इट मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा 53 × 53 × 53। आप 53 का क्यूब कर लेना, है ना। अच्छा ए स्क्वायर्स और क्यूब मैं किसी एक लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा आप सब कोशिश करो यार कैलकुलेशन, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की हैबिट है ना मल्टीप्लाई एडिशन करना ही नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना आप, करना है। देखो एग्ज़ाम में आपको ही बैठना है, हमें नहीं बैठना है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब मुझसे रिजल्ट क्या मैच करना है, यहाँ तक सब कुछ सही है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या इसमें अब डाटा चेंज करना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना। एक टाइप आप सब समझ गए होगी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में जब भी आएंगी तो आप उन्हें हैंडल करना। देखिए इसके लिए एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने टाइप पढ़ा उसके लिए फार्मूला बन सकता था पी। पी क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1+R/100 इंटू एन। एन क्या है, टाइम। एन क्या है, टाइम। पी बेटा आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, रेट पर, आर क्या शो कर रहा है, रेट पर ईयर। चलो इस कैपिटल आर की जगह आप लोग स्मॉल आर कर लेना, ठीक है। चलो अब बात समझिए, रेट पर ईयर, रेट पर ईयर या एनुअली, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज गिवन होगा। तो क्या फार्मूला यूज करना भाई, आप सब तो बस माइंड यूज करना, जिस रेट से बढ़ रहा है इसका 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 थ्री टाइम्स, समझ गए ना। ये भी सर का बोझ रखोगे बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, क्या जरूरत है इस फार्मूला को यूज करने की, कोई जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट, इफ द एनुअल इंक्रीज, इफ द
एनुअल इंक्रीज, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ऑफ अ टाउन बी 4% एंड द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी बी 17,576 what was it 3 years ago? 3 years ago. ठीक है, देखो बेहतरीन। और लैंग्वेज चेंज किया यहाँ पर, क्या इसने प्रॉब्लम में चेंज किया, लैंग्वेज चेंज कर रहा है। कैब कह रहा है कि इफ, इफ मतलब यदि, इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी 4%, कह रहा है कि अगर किसी टाउन की जो एनुअल इंक्रीज है, प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीमेंट है उस टाउन की पॉपुलेशन में, वो क्या है 4% है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 3 years, किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 4% की दर से बढ़ रही है, और 3 सालों बाद वो बढ़ के क्या करे कि कह रहे 4% की दर से बढ़ रही है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गई है 17,576। तो आप ये बताइए कि 3 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या रही होगी, क्या बताना है आपको कि 3 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या रही होगी, यही आपको बताना है। फिर से समझ लेते हैं, देखो इसका सलूशन ऐसे भी कर सकते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी एक्स इन 3 years, 3 years ago। मैंने मान लिया कि उस टाउन की जो पॉपुलेशन 3 साल पहले, उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, यक्स थी। तो 3 साल पहले यक्स थी, यक्स में कितना परसेंट, 4%। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो क्या हो जा रहा है ये बोलो भैया, ये 25 से एक इंक्रीज हो रहा है, तो 26/25 ये फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकेंड ईयर भी क्या होगा 26/25, और थर्ड ईयर भी 26/25, विच इज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन 17,576। 3 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन एक्स थी, और उस 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसमें हर साल 4% की दर से बढ़ रहा था, तो पहले साल 4% बढ़ा तो 26/25 पॉपुलेशन हो गई, सेकेंड ईयर 26/25, और थर्ड ईयर भी 26/25 हो गई, 3 सालों बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 17,576। अब वर्तमान में उसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 3 साल पहले कितनी थी, यही आपसे पूछ रहा है, इट मीन्स यक्स की वैल्यू आप सबसे पूछ रहा है। तो यक्स की वैल्यू निकालोगे तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 576 ये जो फ्रैक्शंस हैं ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, ये उलट करके उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर इस साइड जो वैल्यू फ्रैक्शंस में होती है अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस साइड जाने पर ये रेसिप्रोकल होके उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 25/26 into 25/26
अब आप सब इनको सॉल्व कर लो। तो ये 26 का क्यूब है, 17,576, ये 26 का क्यूब है, तो 25 into 25 into 25 होता है 15,625। मतलब 3 साल पहले उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो 15,625 थे। समझ गए मेरी बात ना? फिर से प्रश्न समझ लो। कह रहा है कि किसी टाउन की पॉपुलेशन 4% की दर से बढ़ रही है और वो 3 साल में बढ़ के कितनी हो गई, 17,576। तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, एगो 3 साल पहले कितनी रही होगी, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। नोट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 25 और यहाँ पर मैं 4% के प्लेस पे 25% कर दिया और पॉपुलेशन कर दे रहा हूँ 87,500। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 इयर्स, 3 साल, ठीक है? सेम प्रॉब्लम है। कह रहा है कि इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, एनुअल इंक्रीज मतलब प्रत्येक वर्ष सेम रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 25% की दर से प्रतिवर्ष उस टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर 25% थी तो सेकेंड ईयर भी वही 25 होगा और थर्ड ईयर भी वही 25 होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर, जैसे मैं मान लूँ कि 100 किसी टाउन की पॉपुलेशन 100 है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, अगर 25 इंक्रीज होगा तो आप सब कहोगे 100 का 25% फाइंड आउट कर लेंगे, उस प्रेजेंट में मैं उसको ऐड कर दूंगा तो 125% पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये 125 सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगी, फिर उसका। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात में जो कहना चाह रहा था? तो सेम है यार, कर लो 3 साल में, यहाँ भी कह रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है कि 1/4, समझ रहे हो ना? तो अब आप सब देखो, अगर मैं मान लूँ 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन x रही होगी, तो 1 बढ़ा तो 5/4 × 5/4 × 5/4 विच इज इक्वल टू प्रेजेंट कितना है, 87,500, ठीक है? इस x की वैल्यू निकाल लो, ये जो फ्रैक्शंस हैं उस साइड जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 87,500 × 4/5 × 4/5 × 4/5, ठीक है? तो कैंसिल कर लो यार, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 25। तो आपको पता है कितना टाइम्स जाएगा, 8 जा तो पॉसिबल नहीं ना, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 × 1 = 5, 7 = 35, ठीक है, 2 × 5 = 25, इतना, ठीक है, सही है? अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 00, 5 × 7, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 700 × 64, आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर ना? ये कैलकुलेशन आप कर लेना। चले आगे बढ़े, तो 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन ये रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा, लॉजिक चेंज करेगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है, ठीक है? तो मेरी बात समझना कि आप सब क्या कोशिश करना कि क्वेश्चंस को हर समय केयरफुली रीड करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। इफ द एनुअल डिक्रीज
in the population of a town is of a town is 5%, and the present population and the present population population is 40,000. What will be the population? What will be the population? Population be in 2 years. ठीक है, be in 2 years. कह रहा है कि यदि किसी टाउन की पॉपुलेशन क्या है, 5% पर एनम, 5% पर एनम, एनुअल लाइट क्या हो ना, इफ द एनुअल डिक्रीज 5% पर एनम की दर से किसी टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो 2 साल बाद या 2 सालों में उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, यही आपको बताना है, 2 साल बाद या 2 सालों में. ठीक है, तो ध्यान से देखना. यहाँ पर लैंग्वेज यूज हुआ डिक्रीज, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है कि 1/20. क्या होता है? 1/20. तो ए है फर्स्ट ईयर, 20 प्रेजेंट यूनिट रही होगी, उसमें एक का डिक्रीज हुआ. तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स, 2 सालों में जो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है आप सबकी, 40,000 इंटू, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 19/20, और सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा 19/20. 10 से 10, सेकेंड 0 to 2 कैंसिल हुआ, 4 हुआ, 2 2 4, 4 से कैंसिल करोगे तो 100 आ जाएगा. ठीक है, तो आप सब फिर कैलकुलेशन करना, 19 into 19, ये आपका रिजल्ट होगा. देखो मैं आज आंसर राइट नहीं कर रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई नहीं करते यार, करना, हम तो राइट कर देंगे 19 का स्क्वायर इंटू 100, 2 0 और बढ़ा देंगे. ठीक है, लेकिन आप सब अगर कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गया ना, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, 20 से क्या एक कम हो रहा है, तो 20 से 19 हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी एक कम हो जाएगा, समझ ना मेरी बात, बस आसान था यार. चलो आगे बढ़े, के डाटा चेंज करें, आगे बढ़ जाते हैं, एक डाटा चेंज कर लें क्या, फाइव की जगह 4 कर देते हैं और 62,500 कर देते हैं, इसको 4% कर लेता हूं, 62,500 पॉपुलेशन चेंज कर दिया, 62,500 और प्रॉब्लम नंबर 7, करेक्ट ना, व्हाट विल बी इन 2 ईयर्स के प्लेस पे, आप लोग 2 ईयर्स रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो करते हैं आगे, तो सब प्रॉब्लम वही है, कह रहा है कि यदि किसी टाउन की पॉपुलेशन 4% की दर से घट रही हो और उसकी वर्तमान पॉपुलेशन ए हो, तो 4% वर्तमान पॉपुलेशन में 4% की दर से घटा दो, तो 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, यही आपसे जानना चाह रहा है. तो बेटा 4% 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो 25 से एक कम होगा तो 24 फर्स्ट ईयर, तो आप सब डायरेक्ट राइट करो, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन 2 ईयर्स, 2 साल बाद, आफ्टर भी कर सकता था, तो ये आपका 62,500 इंटू, देखो 25 से एक कम हो रहा है, 24 हो रहा है, 24/25 ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, सेकेंड ईयर के लिए भी यही कंडीशन, तो 25 से कैंसिल करोगे तो 25 आ गया, 00 बढ़ गया 1, तो हो जाएगा
कितना आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप लोग? 100 इंटू 24 का स्क्वायर लर्न है ना, हाँ 24 में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, चले रिजल्ट आ जाएगा ना, 24 का स्क्वायर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आसान है, हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारी बुक में इनके फार्मूले गिवन है यार, है ना, तो क्या बेफिजूल फार्मूले याद करना है ना, अपना दिमाग वैसे भी, चलो हम तो कहेंगे यार इंग्लिश का कोई वर्ड पावर अपना स्ट्रांग करो ना, उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही है ऐसा सेक्शन जो आपको समस्याएँ क्रिएट करता है बार बार। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर, प्रॉब्लम नंबर 8। इफ द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, इफ द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, इफ द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी, ऑफ अ टाउन बी 5% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन बी 57,600 कर लो, ठीक है। What was it 2 years ago? What was it 2 years ago? ठीक है, कह रहा है कि 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी, यही आपको बताना है। कह रहा है कि अगर किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 5% पर एनम की रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और डिक्रीज 2 सालों तक, कितने साल तक, 2 साल तक डिक्रीज हुई, और 2 साल डिक्रीज होने के बाद उसकी अब वर्तमान पॉपुलेशन क्या है, 57,600 उसकी वर्तमान पॉपुलेशन है, तो बताइए कि 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या रही होगी, यही आपसे पूछ रहा है ये गो। तो समझते हैं, देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब समझना, 5% मीन्स 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, डिक्रीज हो रहा है तो 20 से एक कम होगा 29। अगर मैं मान लूँ कि 2 साल पहले उस टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या थी, यक्स थी, तो यक्स में कितना डिक्रीज हुआ, 19/20, फिर डिक्रीज हुआ दूसरे साल भी 19/20, और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो गई, 57,600 क्या हो गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन। 2 साल पहले हमने कंसीडर किया कि उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो यक्स क्या है, यक्स मैंने मान लिया कि 2 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन यक्स पीपल्स रहे होंगे, तो पहले साल कितना डिक्रीज हुआ, 19/20, दूसरे साल भी 19/20 डिक्रीज हुआ, और अब वर्तमान में कितना बचा, 57,600। तो यक्स की वैल्यू आप सब निकाल लो, यक्स इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन है उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 19 इंटू 19, ठीक है। तो अब आप सब इसको कैंसिल कर लो, क्या करूं, कैंसिल कर दो, समझ रहे हो, तो कैंसिल कर लेना, कैंसिल करके आप आंसर राइट कर लेना, समझ गए। देखो मैं आज चूंकि कैलकुलेशन के लिए टाइम ना बचा ही रहे हैं, ज़्यादातर मैं सेव करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकूँ, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे टाइम ना वेस्ट करूँ, चूँकि लाइव क्लासेस नहीं है और मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में देना है यार, अपलोड करने में थोड़ा सा है ना, आप समझे, अपलोड करने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि विलेज है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हैं, ना तो वाईफाई की व्यवस्था है ना ही कुछ, मोबाइल से ही अपलोड करना पड़ता है, मोबाइल के ही डेटा से,
तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आज कि हम कैलकुलेशन ना करें, क्योंकि कैलकुलेशन में भी टाइम वेस्ट ही होता है ना। तो आप सब अपना ट्राई कर लेना, मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख जाओ। कैलकुलेशन तो आपको एग्ज़ाम में वैसे भी करना है, हमारे सहारे तो रहना नहीं है। चलो समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स पर आप क्या करना है, देखो जहां पर इंक्रीज होगा वहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, डिक्रीज होगा तो निगेटिव साइन आएगा। बस अगर मैं हर टाइप के फार्मूले की बात करूं तो एक फार्मूला आपकी आपके बुक में होगा, पी वन प्लस आर अपॉन 100 to the power n, एक फार्मूला ये होगा, ए इंक्रीज के केस में होगा। और इसी फार्मूले से रिलेटेड का डिक्रीज जब होगा तो पी वन प्लस सॉरी डिक्रीज होगा तो 1 minus r by 100 to the power n, एक फार्मूला है था। दूसरा 3 years एगो इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसमें जो कंडीशन फार्मूला फार्मूला डिज़ाइन होता है वो होता है पी पॉपुलेशन अपान 1 plus r by 100 to the power n, ए पॉजिटिव के लिए इंक्रीज के लिए और डिक्रीज के लिए पी 1 minus r by 100 to the power n। बस ये दोनों फार्मूले एगो, ठीक है। और ये दोनों फार्मूले क्या होंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवेन होगी और 2 साल बाद या 2 साल पहले पूछ रहा होगा। समझ गए होगे मेरी बात ना। तो बस बट इनका क्या यूज करना है, कुछ नहीं। जब भी एगो पूछेगा तो 2 साल पहले कितनी रही होगी तो उसको x मान लेना, और जिस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा x इंटू दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। अगर नहीं 2 साल पहले की बात करेंगे, 2 सालों में कितनी हो जाएगी या 2 सालों में कितनी हो जाएगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो 2 सालों में या 3 सालों में 4 सालों में कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करना, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज, मल्टीप्लाई करते जाना हर साल का, आपका रिजल्ट मिल रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9 पर आते हैं। अब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम नंबर 9, ये जो प्रॉब्लम है ये किस पर बेस्ड है, संख्याओं पर आधारित। कंपैरिजन करना है, क्या करना है आपको, 2 नंबर्स दिए होंगे उसका तीसरे नंबर से कुछ कंपैरिजन दिया होगा, ठीक है। तो या तो कुछ परसेंटेज देके गिवन होगा, तो आप बेसिकली आप समझना, देखो 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर, मोर देन अ थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड ठीक है। अब कह रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 25% और 20% ज्यादा हैं, मोर देन है, अब लैंग्वेज यूज किया मोर देन तो ज्यादा ही है। तो बताइए व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, यहाँ किससे कंपैरिजन कर रहा है। सबसे पहली बात, फर्स्ट सिचुएशन में आप देख रहे हो कि थर्ड नंबर से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड जिस नंबर से कंपैरिजन कर रहा होगा उसको आप सब हर समय 100 ही मान लेना, ठीक है। क्या मान लेना, 100 मान लेना, बात समझ रहे हो ना, कि आप सबको क्या कंसीडर कर लेना है, 100 कंसीडर कर लेना है, समझ गए।
ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़े, सेकंड से कंपेरिजन करना। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। तो आपका अगर थर्ड नंबर 100% अपने आप में है, क्या है 100% या 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 25% कौन है, सेकंड नंबर है। ये क्या है, आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 125। किससे, थर्ड नंबर से है, ये बात ध्यान रखना, थर्ड नंबर से। और फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, यानी कि 100 पे 20% 20 ही होता है, तो इसका मतलब ये है 120। ठीक है, ये क्या है 120। तो ये हो गया थर्ड नंबर, ये आपका सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। अब आपसे लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। यहां किससे कंपैरिजन कर रहा है, सेकंड से। अब कह रहा है कि फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट कितना कम है या ज्यादा है, आपको ये बताना कितना परसेंटेज है। तो समझ रहे हो ना, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड वैल्यू या रिक्वायर्ड परसेंटेज किससा, फर्स्ट नंबर किससे कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 5 जा 25 4 जा 5 2 जा 10 5 4 जा, तो क्या हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा 96, क्या हो गया 96, तो ये 96%। समझ गए कितना हो जाएगा 96%। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर का क्या परसेंटेज है, 96% है। समझ गए, मतलब इन दोनों के बीच में 4% का डिफरेंस है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। डाटा चेंज कर देते हैं यार इसमें। यहाँ पर 20 एंड 50 कर देते हैं, यहाँ पर मैंने किया 20 और यहाँ पर मैंने कर दिया 50%। प्रॉब्लम नंबर 10 पे आ जाओ। अब भी कंपेरिजन किससे है, थर्ड नंबर से ही है। तो बस डायरेक्टली आप लोग क्या करना, थ्री नंबर्स राइट करना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया रिस्पेक्टिवली, क्रम सा, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस बात का ध्यान रखना, चेंज मत कर देना सीक्वेंस। ठीक है, तो हम थर्ड को मान लेते हैं 100 यूनिट या 100, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है या 100 यूनिट मान लेते हैं। 100 पे वर्क करना आसान होगा। सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा है, तो 100 का 50 होगा, तो मतलब ये कितना आएगा 150। थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, 20% मोर है, तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, क्या जानना चाह रहा है, रिक्वायर्ड परसेंटेज। यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहा है, सेकंड से। जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में, किसको कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट को, तो उसको न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू जो हो जाएगी 120। किससे कह रहा है कि किससे कंपेयर, सेकंड से। किस नंबर को, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 120, कंपेयर सेकंड नंबर से 150 इंटू 100, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 4 जा 3 5 जो 5 से 20, तो कितना आ जाएगा 24 जा 80%। फर्स्ट नंबर सेकंड से कितना परसेंट है, 80% है। फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का क्या है, 80% है। समझे, तो बस यही जानना चाह रहा था। आगे बढ़े, चल नोट कर लेना, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब डाटा चेंज करते हैं, यहां पर हम एट
8% और 32%। देखो एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड मेंशन नहीं रहेगा बेटा, बट रिस्पेक्टिवली लैंग्वेज का यूज किया है, इसलिए आप सब ध्यान रखना। 10 से प्रॉब्लम नंबर 11 पर आ गए, आप कर लोगे आप सब इसको, है ना। वही प्रश्न है, द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 8% एंड 32% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। समझिए, जिससे भी पूछेगा, जरूरी नहीं है यार, आपसे कहेगा व्हाट परसेंटेज सेकंड ऑफ द थर्ड, व्हाट परसेंटेज फर्स्ट ऑफ द थर्ड, ठीक है, व्हाट परसेंटेज थर्ड ऑफ द फर्स्ट। तो आपको लैंग्वेज चेंज करेगा, जिससे भी कंपैरिजन कर रहा होगा उसकी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में रखनी होगी, जिससे करना है उसको न्यूमरेटर में रखनी होगी, इनटू हंड्रेड और परसेंट का साइन। ये बात ध्यान से रख समझ लेना, ठीक है। तो बस जब इतना समझ जाओगे तो आसान है रास्ता। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पर। अभी तो हमने यहाँ पर मोर देन की कंडीशंस यूज किया, ठीक है। देखो इसमें नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 50% मोर देन अ थर्ड। अच्छा, यहां पर थर्ड का मतलब थर्ड नंबर से, ठीक है, मोर देन अ थर्ड। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम वही है बट कंपैरिजन को बदल दिया, कंपेयर जिससे करना था उसको उसने चेंज कर दिया। तो तीन नंबर बनाए किससे, कंपेयर थर्ड से, तो थर्ड को मान लो 100% या 100 यूनिट। तो 100 यूनिट माना, 100 का 50 क्या होगा, ये सेकंड नंबर होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो सेकंड नंबर क्या है, 50% ज़्यादा, तो 100 का 50, 150। थर्ड फर्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर से 25 ज़्यादा, तो क्या हो गया, 125 हो गया, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लो, रिक्वायर्ड वैल्यू किससे कंपेयर, फर्स्ट से कंपेयर, तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में, किसको, सेकंड को, तो सेकंड को न्यूमरेटर में, इनटू 100%। तो कर लो यार, 25 से 20, तो कितना आ जाएगा, 120%। क्या रिजल्ट होगा, 120%। व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट से सेकंड कितना परसेंट है, 120% है। सेकंड जो है फर्स्ट का कितना है, 120% है, बस इतना। प्रॉब्लम नंबर 13, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लैंग्वेज जो उसने यूज किया क्या कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है। तो बेटा बस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किससे कंपेयर कर रहा है, थर्ड नंबर। देखो यहाँ पर इस कंपैरिजन बदल भी सकता है, ठीक है, जिस नंबर से कहेगा उसी नंबर को कंसीडर कर लेना। तो थर्ड नंबर को मैंने मान लिया 100, तो ये फर्स्ट नंबर आपका होगा और ये सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर 100
40% 100 पे 40% क्या 40 100 में 40% 40 कम कर दोगे तो क्या आएगा 60, 100 में 30% कम करोगे तो 30 का मतलब 70, ठीक है। अब व्हाट परसेंट इज सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, किससे सेकेंड को फर्स्ट से, तो रिक्वायर्ड वैल्यू जिससे कंपेयर कर रहा हूँ किससे कंपेयर, फर्स्ट से, तो उसको डिनोमिनेटर में, किसको सेकंड को ना, तो सेकंड को न्यूमरेटर में आते सेकंड, देखो सेकंड को कंपेयर इनटू 100%, ठीक है ना। तो जीरो टू जीरो कैंसिल। अच्छा ये बताओ ये 1/7 आप सबको पता होगा फ्रैक्शन वैल्यू ना, देखो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू में, तो ये आपका 85 5/7% आएगा रिजल्ट, नो डाउन, समझ गए ना, बेहतरीन आसान सा। देखते हैं नेक्स्ट और कोई प्रॉब्लम्स है। चलो इसी में डाटा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्या 14 में हमने डाटा चेंज कर दिया, इसको मैंने कर दिया 25 और इसको कर दिया 30, चलो आसान सा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस देन द थर्ड नंबर, किससे कंपेयर, थर्ड नंबर, थर्ड को क्या कंसीडर करोगे 100, तो सेकंड नंबर क्या है 30 लेस है, तो सेकंड 70 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर 25 लेस है, किससे लेस है, किससे लेस है वो थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर में 25 कम करोगे तो 100, तो 75 आ जाएगा, तो फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट से, तो सेकंड आएगा 70 और थर्ड आएगा 75, 70/75 इंटू 100 आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड से कितना परसेंट है, यही आपको बताना है। दो नंबर्स, पहला 25, दूसरा 40% कम है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ऐसे प्रश्नों को आप ओरल आंसर देना। सेकंड नंबर 40 कम है तो ये 60 हो गया, फर्स्ट नंबर 25 कम है तो ये 75 हो गया, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू किससे कंपेयर, सेकंड से, किसको फर्स्ट से, तो जिससे कंपेयर उसको डिनोमिनेटर में, जिसको उसको न्यूमरेटर में, इंटू 100 और परसेंट का साइन, 15 5 या 75 15 4 या 25, ये आपका रिजल्ट हो गया 125%, हो गया ना, कर लोगे ना, आसान है, इसमें क्या बताना। चले आगे बढ़े, तो अब आगे क्या बढ़े, देखो इसी टाइप्स की प्रॉब्लम होंगी, इसमें यही कंपेरिजन चेंज करेगा और आपसे क्वेश्चंस को पूछ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं हमने जो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इन 15 क्वेश्चंस में मैंने टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स को अटेंड किया, एक तो मैंने बेसिक अप्रोच से अटेंड किया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, सेकंड हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स पर आधारित, तीन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हमने अटेंड किया है। ऐसे प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आएंगे और वहाँ पर आपको इनको हैंडल करना है।
देखिए इन सभी प्रश्नों को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो इनके रिजल्ट्स आप डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन राइट कर सकते हो। बस आपको कुछ क्या करना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स लर्न रखने हैं। और एग्जाम में क्या होगा ना, इन्हीं परसेंटेज जो हमने नॉर्मल सी परसेंटेज राइट किए हैं ना, इनको थोड़ा सा वो डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा या इनको फ्रैक्शंस में राइट करेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग्स में जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनमें मैंने आपको सिखा दिया है किस टाइप से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चाहे वो किसी वे में हो, समझो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो या आपके फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगी, तो उन्हें किस टाइप से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है ये मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में बताए हैं। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर हमने इतनी पढ़ लिया था जिसमें मैंने आपको बेसिक्स सिखाया था, बेसिक्स की कैलकुलेशंस मैंने सिखाई थी। और आज आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे रिजल्ट डायरेक्ट नहीं राइट किए, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको कैलकुलेशन की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए। चूँकि टाइम भी मेरा सेव हो जा रहा था, मैं कैलकुलेशन करना टाइम लगता, क्या मैं यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं रखा हूँ कि जिससे मैं आपको कैलकुलेशन वहाँ नोट है कि देख के राइट कर सकूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे भी करना पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगता, तो उन सभी टाइम को बचा के मैंने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैक्सिमम अटेंड कर लिया। आज मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये 15 क्वेश्चंस 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे होंगे। तो अभी हमारा जो परसेंटेज का लेक्चर होगा, 2-3 लेक्चर्स 3-4 घंटे हम परसेंटेज को और पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके परसेंटेज कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम्स को कराऊंगा और दिखाऊंगा कि आपने जो अप्रोच पढ़ा है या आपने जो अप्रोच सीखा है उनको कैसे वहाँ पे अप्लाई करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको एसएससी सीजीएल मेंस की क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनके क्वेश्चंस को भी हम किस टाइप से फ्रैक्शंस मेथड से कर रहे होंगे ये भी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब कोशिश ये करना कि अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा होगा और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और जानते ही हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस जाएंगी जब भी हमारी वीडियोस अपलोड होंगी। देखो लाइव क्लासेस के लिए तो यार वाईफाई का बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द अगर वो व्यवस्था हो जाएगी तो आगे चल के हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो चलते हैं, नमस्ते।